अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फसी खालिद और अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके जोर टाउन में। और यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त स्नूकर क्लब है क्यू बार के नाम से। बहुत तारीफ़ सुनी है स्नूकर क्लब की, तो आइए आपको दिखाते हैं क्यू बार और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ अभी यहाँ एक कस्टमर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। आपका नाम? जी माजिद भट्टी मेरा नाम। अच्छा माजिद भाई, ये बताएं कि आप यहाँ डेली बेसिस पे आते हैं? जी मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे खेल रहा हूँ, क्योंकि इनका एक तो इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, इसी वजह से इनकी टेबल्स बहुत अच्छी हैं, इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो मैं तो रेगुलर बेसिस पे नहीं खेलता, लेकिन सिर्फ इनके इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ का माहौल देख के मैं सिर्फ यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे खेलना मैंने शुरू कर दिया। तो इनके साथ साथ क्लब के इन्होंने रिफ़्रेशमेंट भी रखा हुआ है, तो वो आप करते हैं? जी जी बिल्कुल, इन्होंने रिफ़्रेशमेंट रखी हुई है यहाँ पे, हमारा स्नैक बार है यहाँ पे, पिज़्ज़ा है 147 है, तो कभी भी आपको खेलते भूख भी लग जाए तो आप कुछ भी ऑर्डर यहाँ से कर सकते हैं। चलें माजिद भाई, थैंक यू वेरी मच बात करने का। जी तो मेरे साथ अभी इस स्नूकर क्लब के जो ऑनर हैं असद भाई, वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम, फसी क्या हाल है आपके? ठीक है जी, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा असद भाई, पहले तो इस स्नूकर क्लब की आप काइंडली की लोकेशन अगर आप बताएं। यार ये है 975 एल ब्लॉक जौहर टाउन, और नियर एक्सपो सेंटर है। तो हमने बहुत सारे मतलब स्नूकर क्लब्स देखे हैं, लेकिन आपने स्नूकर के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त रिफ़्रेशमेंट भी रखी हुई है, जिसमें पिज़्ज़ा है, सैंडविचेज़ हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसका आइडिया मतलब आपको कैसे है? नॉर्मली तो इस तरह नहीं होता। यह रिफ़्रेशमेंट देखें, जो आता है खेलने के लिए रिफ़्रेशमेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो वीकेंड्स पे या घर से सारे यार दोस्त निकलते हैं खेलने के लिए, तो खेलना भी एक रिफ़्रेशमेंट है और साथ में फ़ूड भी अगर इन्जॉय करें हेल्दी फूड, तो वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हमने अपने कस्टमर्स के लिए फूड का भी साथ साथ जो है वो तमाम किया उनके लिए। उसके फूड के साथ साथ हमने देख रहे हैं कि आप सफाई पे भी ख़ास ख्याल रखते हैं। अक्सर बहुत सारे मतलब स्नूकर क्लब है जो गंदगी उनमें बहुत होती है, जिसकी वजह से जरासीम भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपका यहाँ सफाई भी ख़ास ख्याल इसका रखा जा रहा है, तो ये सब कैसे? सफाई जी नित्य मान है और सफाई बहुत ज़रूरी है, और अच्छा इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए सफाई बहुत मतलब एक अहम रोल करती है। तो वो अगर साफ़ सुथरा है तो कस्टमर्स भी इंजॉय करते हैं, अच्छा माहौल इंजॉय करते हैं,
तो वो आपको पता है कि फिर बहुत ज़रूरी है इसके साथ। अच्छा तो ये बताएं, जिस तरह ये जो इसका इक्विपमेंट होता है, जिस तरह टेबल्स स्नूकर के जो, तो ये सारा माल आप खुद आपने बनवाया है या बने बनाए लेते हैं ये? यार नहीं, ये सब ऑर्डर्स पे तैयार होता है, कुछ सारा इसका सामान जो है वो कुछ बाहर से इम्पोर्ट होता है, और बाकी जो है मेकिंग सारी असेंबलिंग सब क्लब के अंदर ही, असेंबलिंग सारी क्लब के अंदर है, और कुछ मटेरियल इसका बाहर से आता है, बाकी इसके मैन्युफैक्चरर्स और फिटर्स भी यहीं मौजूद हैं पाकिस्तान में, तो इस तरह ये सब चलता है। तो जो रेट्स हैं ये आपने रिजनेबल रखे हुए हैं? जी बिल्कुल रिजनेबल हैं, मतलब हर लोकेशन के हिसाब से, हर सेटअप के लिहाज से क्लब्स के जो फ्रेम चार्जेस हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं लोगों से, मुख्तलिफ क्लबों से, तो हमने बिल्कुल कोशिश तो यही की है कि रिजनेबल ही हो, और हमारे कस्टमर्स को अल्हम्दुलिल्लाह रिजनेबल ही लगते हैं। चलें असद भाई, थैंक यू वेरी मच टाइम देने का, तो और बहुत ज़बरदस्त लगा आपके स्नूकर क्लब आके, क्योंकि ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में मतलब ऐसी क्वालिटी की आना स्टार्ट हो गई हैं, तो एक बहुत खुशी की बात है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो सही लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।